हाय गाइस, आज हम ढोकला बनाएंगे। तो ढोकले के लिए मैंने 2 घंटे पहले ये घोल तैयार करके रख दिया था। इसमें मैंने बेसन डाला है, गाढ़ा गाढ़ा दही डाला है, बेकिंग सोडा डाला है, थोड़ी हींग डाली है, थोड़ा सा नमक डाला है स्वाद अनुसार। और ये इस तरह से गाढ़ा गाढ़ा घोला हुआ है, ये 2 घंटे से रखा हुआ है। अब इसका ढोकला बनाएंगे हम। तो सबसे पहले मैं इसको और चला लेती हूँ। ये स्पंची बने इसके लिए मैंने इसमें इनो डालूंगी। मैं इसमें तो मैंने इनो निकाल लिया है, मैं इसमें इनो डाल दूंगी और फिर चलाऊंगी इसे अच्छी तरह। इसको हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थाली में मैंने पहले ही मक्खन लगा लिया है। गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें पानी रख दिया है। उसके ऊपर ये जो मैंने थाली में बेसन का घोल है इसे फैला दिया है और ये मैं अब कढ़ाई में रख दूंगी। ढोकला बनने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है। ये स्टीम से बनेगा और देखो अभी ये जो थाली है कितनी खाली है। जब ये बनेगा तो ये पूरा भर जाएगा, थाली भर जाएगी ऊपर तक। मैंने इसको ढक दिया है और अब मैं इसे 15 मिनट बाद खोल कर देखूँगी। जब तक ढोकला बन रहा है मैं दूसरी तरफ उसके लिए पानी तैयार कर लेती हूँ, जो उसमें मीठा पानी डालते हैं। तो मैंने गैस पे एक भगोना रखा है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल गर्म होने पे उसमें हींग और सरसों डाल दूँगी। सरसों पक गई है, मैं इसे पानी डाल दूँगी। कटी हुई हरी मिर्च डाल दूँगी। 1 कटोरी चीनी डाल दूँगी। अब इस पानी को खौलाएंगे। ढोकला को खोल के देखते हैं। देखिए ये बनने वाला है, बस 1 मिनट और रखा रहने देते हैं। हमारा ढोकला तैयार हो चुका है। मैं इसे चेक करने के लिए एक बार इसमें चाकू लगा के देखूंगी। अगर इसमें कुछ नहीं आया तो इसका मतलब ये बन गया, ये बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसको दूसरी थाली में पलट लूँगी। इसे हमने दूसरी थाली में पलट लिया है। अब इसमें हम जो चीनी का पानी तैयार किया था ना, वो पानी डाल देंगे। हमारा ढोकला तैयार हो चुका है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।